बीना बजाने वाली माँ आज हमको वर दे, जन जन में प्रेम फैले ऐसा प्रकाश भर दे, बीना बजाने वाली माँ आज हमको वर दे कि धोखे किसी तरह चेहरे के दाग धब्बे गिराओ, किसी तरह आईना जिंदगी को दिखाओ, किसी तरह सूखे पड़े हैं कब से एहसास के कुएं, पानी कहीं से दर्द का लाओ किसी तरह। ये जुड़ाव, ये एहसास, ये संबंध और ये संस्कृति किसी भी संघ को निरंतर ऊर्जा देती है और आस्था से जुड़े रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शुक्ला साहब को, उन्होंने हम सबके अनुरोध को स्वीकार करते हुए अपना अमूल्य समय देकर। फिर आप कहां जाएंगे? आज 14.5-13 लाख ठीक है, हम ये जानते हैं कि लगभग 7 लाख ऐसे लोग हैं जिनकी सालाना इनकम 10,000 रुपए नहीं, लेकिन उसमें एक बड़ा पार्ट है जिसने अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से एलआईसी के साथ में जोड़ के रखा होगा, जो भावनाओं से अंतर मन से एलआईसी को जीता है। फिर कहते हैं साहब की कमीशन 20% कर देंगे। दोनों चीजें, चाहे पोर्टेबिलिटी का मैटर हो, कोई व्यक्ति एक एक्सीडेंट हो गया सर्विस देने के लायक नहीं, किसी की किडनी फेल हो गई कैंसर हो गया सर्विस देने के लिए उसके पास वो नहीं है। हमारी बहनों ने एजेंसी ली है, कल उनकी शादी हो गई, वो अपने ससुराल चली गई, वो सर्विस नहीं दे सकती। कोई व्यक्ति 70-75 साल का हो गया, वो सर्विस देने की स्थिति में नहीं है, तो पोर्टेबिलिटी हो जाए। मैंने ये भी लिखा चेयरमैन IRDA को कि श्रीमान जी आपको पेंशन मिलती है, पेंशन किस कारण मिलता है? आपने पूर्व में सरकार की सेवा की है उसके कारण आपको आज आजीवन पेंशन मिलेगी ताकि आप जीवन यापन कर सकें। और इंश्योरेंस एक्ट 1938 में ये परिभाषित है कि हमको कमीशन, मिलिट्री कमीशन क्यों मिलेगा? हमने फर्स्ट ईयर जो काम किया उस कमीशन को पॉलिसी अवधि में दिए जाने का प्रावधान है, सर्विस कहीं भी मैटर था ही नहीं इंश्योरेंस एक्ट में। ये धोखेधड़ी है। क्या मुझसे कहा जाता है कि सर्विसिंग के बदले में आप सर्विस दीजिए, नहीं तो आपको तो एजेंसी पोर्टेबल कर दी जाएगी। इससे कई खेल खेले जाएंगे अंदरूनी। आप इन चीजों को आज नहीं समझेंगे तो कल बहुत देर होगी। आज किसी में 5% मिल रहा है, किसी में 7% हमको रिन्यूअल कमीशन मिल रहा है, हमारे ही लोग जाएंगे कि ये लीजिए 5% में, 4% आप ले लीजिए, आप पोर्टेबल कर लीजिए अपनी एजेंसी, मैं ज्यादा बढ़िया सर्विस दूंगा। ये चाहे सुगम लाए चाहे और कितनी ही नाटक कर लें, इससे एक कटुता पैदा होगी और बहुत सारे कस्टमर इन कटुताओं के कारण इंश्योरेंस लेगा नहीं, उसकी सामाजिक सुरक्षा डैमेज होगी, और अगर उसके परिवार को कुछ होता है तो एक पैसा नहीं मिलेगा इंश्योरेंस ना लेने के कारण। ये धोखेधड़ी है समाज के साथ में, ये धोखाधड़ी है देश के साथ में। चाहे एजेंट पोर्टेबिलिटी के मैटर हो, चाहे डीमैट अकाउंट का मैटर हो, चाहे 3 कंपनियों में काम करने का मैटर, मैंने उसको लिखा है कि ये भारत है जहां पर 7 जन्मों के संबंध होते हैं। पत्नी व्रत करती है कि मेरा पति ये 7 जन्म तक रहे चाहे कितने ही नालायक हो, और पति भी वही प्रतिज्ञा करता है, लड़ेगी, खाने में थोड़ा नमक ज्यादा कर देगी, कभी मिर्ची ज्यादा कर देगी, लेकिन हमारी चिंता तो करती है। आज अगर बहुत सारे बदलाव आए, एजेंट रेगुलेशन एक्ट आया, क्लब मेंबरशिप आया, ठीक है हमारे बहुत सारे मतभेद रहे हैं और रहेंगे भी। आपको मालूम है कि पिछले कोविड काल में हमारी खूब जंग थे, हमारे तंत्र से लड़ाई हुई, तो इंटरनल मैटर। मुझे कोविड काल में जैसे उन्होंने एक विभाग खोला हुआ था 23 पद मिले,
कॉर्पोरेशन से। मैंने चेयरमैन साहब को लिखा कि आप रोज बदलते हो। मैंने इसको क्या ट्रू कलर या कुछ लिखा होगा, मुझे नहीं ध्यान है। तो एक पत्र मिला कि आपने चेयरमैन साहब को गाली लिखी। गाली नहीं है, देख की भावना है। जिस समय सबसे ज्यादा जरूरत है कारपोरेशन के एजेंटों को, जिस 50,000 को, नो डाउट इसमें कोई दो मत नहीं कि बहुत बड़ी रकम हम लोगों को, जहां 5,28,000 अभिकर्ताओं को 50,000 रुपए मिले थे, अगर उसका टोटलिटी में देखें तो बहुत बड़ी रकम होती है। वही सहयोग अगर टाइम पे मिलता तो और आनंद आता। आपके वक्त लिया। अगर हम ये कह रहे हैं कि हमको ये बताने में इनको लगभग 10 महीने लगे, और जब हमने पीएमओ को पत्र लिखा, वहां से इनके पास पत्र आया, तब बताया कि 3,332 एजेंट मारे गए कोविड काल में। भाई उनके हमारे पास इतना मोटा सीएसआर फंड है। देखिए, प्रबंधन की अपनी एक सीमा, वो उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, लेकिन हम लोग जा सकते हैं। और एक बात, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कम लोग या छोटे लोग, तो मैं एक बात जानता हूं कि इस देश में महात्मा गांधी ने अगर इतिहास रखा तो अकेले चले थे। अगर भगत सिंह की फांसी को पूरी दुनिया याद रखती है तो अकेले चले थे। उन्होंने ये नहीं कहा था आ जाओ झांसा दिनकर सब लोग एक साथ फांसी पर चढ़ेंगे। और हमको गोली मारना है सैंडर्स को, तो उसके लिए टीम नहीं बनाई गई थी। हम अकेले चले और लोग जोड़ देते ना, तो यहाँ पे हजारों जवाहरलाल नेहरू हुए, ना तो हजारों सुभाष चंद्र बोस हुए। हमारे अंदर कमिटमेंट होना चाहिए कि जिस काम के लिए, अगर मैं वास्तव में अपने इस महा, ये एक ऐसी अद्भुत संस्था बनी विश्व की, आप कल्पना तो करिए, सारे यूरोप की अगर आबादी को एक कर लीजिए तो भारतीय जीवन बीमा निगम के पॉलिसी होल्डर्स उससे ज्यादा हैं। और ये बात केवल ये नहीं है कि मैं एलआईसी के लिए ऐसे अभिकर्ता काम कर रहा हूं इसलिए एलआईसी को बचे रहना चाहिए, बल्कि एलआईसी को बचाने का हर भारतीय काम, भारतीय की जिम्मेदारी है, क्योंकि इसने देश को समृद्ध करने के लिए अपना 100% योगदान दिया। हमारे और आपके लिए बिजली, पानी, सड़क, न जाने क्या क्या, जानते हैं अपने यहां कोर्ट की व्यवस्थाएं थोड़ा धीमी है, लेकिन करेंगे। दूसरा हमारा एक सपना है कि सीएलआईए के लिए सीएलआईए रेगुलेशन एक्ट आना चाहिए। उनको केवल एक नोटिफिकेशन के आधार पे, आज आप बहुत खुश हैं नोटिफिकेशन कर रहे हैं, उनका वो चल रहा है। कल आप ऐसे ही कोई और आ गए उल्टे दिमाग के, उन्होंने कहा नहीं नहीं साहब ये बंद करो, अभी हुआ ना डायरेक्ट मार्केटिंग बंद हो गया। तो किसी के दिमाग में आया सपना आया रात में कि ऐसा डायरेक्ट मार्केटिंग एक सिस्टम हो सकता है, लागू हो गया। 8-10-15 साल चला, जब घाटे होने लगा तो बंद हो गया, पैसा नहीं। आज अगर एजेंट चैनल के बाद दूसरा कोई सबसे सफल चैनल है तो सीएलआईए है। आने वाले दिनों में आप सब लोग और मेहनत करिए। जिन लोगों ने सीएलआईए सिप नहीं ली है, अगर वो एंटाइटल है तो उनको सीएलआईए बनना चाहिए। हमारी पूरी कोशिश है कि एजेंट रेगुलेशन एक्ट की तरीके से, उसके लिए भी हम लोगों को लगभग 11 साल संघर्ष करना पड़ा था, तब एजेंट रेगुलेशन एक्ट आया। सीएलआईए रेगुलेशन एक्ट हो सकता है 2-4-5 साल ही मैंने छोड़ा भी। मैंने 7 बार एनडीआईटी किया, और जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा ये सपना था कि मैं 55 साल में अपने को सेवानिवृत्ति दूंगा। मित्रों, आज विषय ये नहीं है कि मुझे कारपोरेशन में हमारे तंत्र से लड़ना है, वो हमारा घर है। जाहिर है कि बहुत बार इतने सालों में, लगभग 25 साल हो गए
फेडरेशन का काम करते हुए, जिसमें लगभग 10 साल हमने जोनल प्रेसिडेंट के रूप में और 8 साल प्रेसिडेंट के रूप में काम किया। बहुत बार प्रबंधन से हमारे खट्टे मीठे अनुभव रहे और ये स्वाभाविक सी बात है। हमारे परिवार में 4, 5, 6 सदस्य होते हैं, कभी सामान्य संबंध नहीं रहते। 365 दिन विचारों में मत विभिन्नता रहती है और ये होती रहेगी। कई बार कुछ लोगों के काम हमको पसंद नहीं आते और कुछ लोगों के काम हमारे हमको पसंद नहीं आएंगे और उनको भी नहीं पसंद आएंगे। यही हाल कारपोरेशन में हमारे और प्रबंधन का विषय है और ये होगा, आगे भी होगा। सबसे बेहतर ये है कि हमारे संवाद किस तरीके से हैं। अगर प्रबंधन से हमारे संवाद प्रॉपर हैं तो ये तय मानिए कि जो भी ऊंच नीच है उसको हम लोग मिल बैठ के दूर कर लेंगे। लेकिन आज जो समस्या है वो प्रबंधन, अभिकर्ता और निगम, ये 3 अलग अलग वो हो गए। आज बहुत विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है कॉर्पोरेशन भी और अभिकर्ता भी। हमारी दिक्कत यह है कि हम सारी चीजों से शायद अनभिज्ञ हैं। निगम भी उन चीजों को अभिकर्ताओं के बीच में लाने में नाकामयाब है, हमारा तंत्र, जबकि इसको लाया जाना चाहिए। आज सब लोगों को मालूम है कि पिछले कुछ सालों में 20 बैंकें जहां थी वो घट के 12 रह गए। हम लोग बड़ी गलतफहमी के शिकार रहते हैं कि जो इस धरती पे पैदा हुआ वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब भी हुआ, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे हमारे गुरु साहिबान हो, ये चाहे जो भी है। और उसी तरीके से अगर 100 साल का इतिहास देख ले तो जो बड़ी इंडस्ट्रीज 100 साल पहले थी वो आज नहीं है। वही सरवाइव कर रहा है टाटा जैसे, जिसने अपने को समय समय पर बदला। दुर्भाग्य है कि हमारे यहां उस तरीके का बदलाव नहीं हो रहा है। अभी दास बाबू बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे थे, हमारे इश्यूज के बारे में बात कर रहे थे, 900-200 रुपए का इश्यू, 867 रुपए में लिस्टेड और 640 रुपए की कीमत, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा इंश्योरर निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, ये त्रुटियां कहां हैं? आखिर अगर आज 1250 का शेयर प्राइस SBI का है, जिसका अगर एसेट वैल्यू और लाइफ फंड देखें तो हमारे आगे ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है, तो कहां पे चूक है ये जानना जरूरी। आज आखिर क्या जरूरत है? मैंने देवाशीष पांडा जी को ये लिखा कि आखिर 22 साल से रेगुलेटर है, एकदम से रेगुलेटर इतना एग्रेसिव काम कैसे करने लगा? 3 कंपनियों में काम करेंगे। आज से अगर मेरे ख्याल से 6, 7, 8 के आसपास हैं, तो कॉर्पोरेशन 3, 3.5, 4 करोड़ बीमा करता था। भारत की आबादी बढ़ी, भले ही इतनी इंश्योरेंस कंपनी आई, उससे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ना चाहिए था क्योंकि उस रेशो में आबादी बढ़ी, तो हम कम से कम 3, 3.5 नहीं तो 2.5-3 करोड़ पॉलिसी तो कर सकते थे। आखिर घटके 2 करोड़ के हुए, इस पे ना तो कभी IRDA ने वो किया और ना हमारे तंत्र ने इस पे ध्यान दिया। दासा 32 करोड़ इंडिविजुअल पॉलिसी घटके 28.5 करोड़ हुई, सब जगह कस्टमर बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ घटे क्यों? इसका एक स्टडी होना चाहिए, लेकिन किसी का ध्यान इस पर नहीं है। आज कन्वेंशनल बिजनेस हमारा 32%, 36%, 38% और 40% रह गया, इस पे ध्यान किसी का नहीं। अगर ये कॉर्पोरेशन यहां तक पहुंचा, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है 2000 के आसपास